कल देश का बजट पेश होना है, ऐसे में इस बजट को लेकर देश भर में काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पूरे चीजों को लेकर, इस बजट को लेकर क्या सोचती है, उनके क्या सोच है, इसके ऊपर हम इनसे बात करेंगे। हिंदुस्तान चैम्बर्स के प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ में है। सर, जिस तरीके से कल बजट पेश होना है, इस बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या राय है? उम्मीदें तो बहुत है। इस बार बजट हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा आना चाहिए। सबको कवर भी करेगी गवर्नमेंट। नेता निर्मला सीतारमन जी से सब लोगों ने अप्रोच भी की है, सब लोगों से उन्होंने राय भी की है। तो टेक्सटाइल के लिए भी हम लोगों ने भी, हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी है ना, गिरिराज जी सिंह से हमने भी अपने ओबेराय में मीटिंग की थी। उनको हमने हमारे ज्ञापन दिए थे कि भाई टेक्सटाइल के लिए जो आज हम लोग एक्सपोर्ट के अंदर नहीं और डोमेस्टिक दोनों में डिमांड काफ़ी कम है, इससे व्यापारियों पे काफ़ी प्रेशर है, पेमेंट का भी काफ़ी प्रेशर है, पेमेंट को लेकर भी लोग काफ़ी तकलीफ में है, इसलिए और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, माल का स्टॉक होते जा रहा है। तो कम से कम गवर्नमेंट हर तरह की सुनाई करे, बजट में जो भी हमने मांगे रखी हैं उसकी सुनाई करे तो ज़रूर इसका असर होगा। और अगर एक्सपोर्ट बूस्टअप होगा तो देश की इकोनॉमी भी बूस्टअप होगी, कपड़े की डिमांड भी बढ़ेगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से जो हमारी समस्याएं भेजी है उनका समाधान होना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट से काफी उम्मीदें रहती हैं। ऐसे में भारत के अगर बात करें तो जो चाइना हो, बांग्लादेश हो, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत से काफी आगे है। तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, क्या आपकी मांगे हैं कि सरकार को पूरी करनी चाहिए? भारत में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे मिनिमाइज कर सके, गवर्नमेंट को सहूलियत देवे व्यापारियों को, जैसे कि मतलब कम रेट इंटरेस्ट के ऊपर लोन दें, और जो रॉ मटेरियल जो बहुत महंगा पड़ रहा है, जो बाहर से आ रहा है या इंडिया में जो बन रहा है, उसके ऊपर कुछ GST की रिबेट या इलेक्ट्रिक के अंदर जो भी सहूलियत कर सके, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक रीजनेबल रेट में आ सके, जिससे हम लोग कम्पीट कर सकें। यहाँ पे कानून बहुत है, उन कानूनों में कुछ सरलीकरण किया जाए, GST में भी सरलीकरण किया जाए। जिस तरीके से सर सूरत में अगर देखें तो बहुत बड़ा टेक्सटाइल मार्केट माना जाता है, लेकिन ऐसे चाइना से बहुत सारे जो माल है यहाँ पर लोग बनाते हैं, फिर इसको बेचा जाता है, तो ऐसे में भारत को कितना इसका प्रभाव पड़ता है और किस तरीके की सुधार की जरूरत है? चाइना की क्वालिटी है, सूरत बना रहा है, पर चाइना की क्वालिटी में सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है कि वीविंग में कोई तकलीफ नहीं है। जो डाइंग हाउस है, तो डाइंग हाउस की जो उस कपड़े का जो फिनिश वगैरह है जो चाइना के सामने नहीं बैठ पाती है और रेट में भी नहीं बैठ पाती है, तो हम चाइना से कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। क्यों, इसमें पॉलिसी में गवर्नमेंट को सुधार करना ही पड़ेगा, अच्छे अच्छे प्रोसेस हाउस लगाने पड़ेंगे, आज कपड़े की गुणवत्ता को भी सुधारना पड़ेगा। और प्राइस फैक्टर में जो हमारे विशेष सहयोगी अभी उन्होंने बताया, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, कैसे हम कॉस्ट को कम कर सकें। उसके वही हमें बताएंगे कि भाई हम उस कॉम्पीट से कैसे बच सकें। तो जिस तरीके से कपड़े की क्वालिटी को लेकर बात करें और उसके कॉस्ट प्रोडक्शन की बात करें, इन सब चीजों की बात हो रही है, कल बजट पेश होगा तो और क्या आपकी उम्मीदें हैं कि क्या और चीजें होनी चाहिए सरकार से? सबसे पहले तो इंडिया में हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं, जिसमें सुधार की बहुत ही सख्त जरूरत है। तो गवर्नमेंट को ऐसे इंसेंटिव देने चाहिए ताकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो कर सके और इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के कपड़े अपने यहाँ बन सके। दूसरा, जो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है उसके कारण हमारे कपड़े की इंडस्ट्री जो है वो सिक चल रही है, उस इंपोर्ट को कैसे कम किया जाए, बैन किया जाए, उसका सब्स्टिट्यूट यहाँ किया जाए, वो करें तो वो बहुत ही सराहनीय होगा। तीसरा है, जो MSME का जो इशू है वो बहुत ही ज्वलंत समस्या है, जो ऑलरेडी उसका रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। चौथा, छोटे उद्यमियों को अभी भी लोन कम इंटरेस्ट पे अवेलेबल नहीं है। जो MSME में छोटे व्यापारी हैं उनको बहुत ही 15% 14% इंटरेस्ट रेट लगता है, उसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। दूसरे, हमारे जो हिंदुस्तान चैम्बर में छोटे छोटे व्यापारी जो हमारे सदस्य हैं उनको पेमेंट की बड़ी तकलीफ है, तो इसकी भी समस्या को भले लोकल लेवल पर, लेकिन पेमेंट रुकने से व्यापारी को बहुत ही तकलीफ होती है, तो इसकी भी जो है सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि सुधार हो उसमें। एक मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि जो
अभी आप इंटरव्यू मत लीजिए कि 1/3 जो अपने जो चेक रिटर्न्स होते हैं या जो गवर्नमेंट के अंदर 7-7 साल तक 138 का रिजल्ट नहीं आता है, तो गवर्नमेंट को कानून प्रक्रिया भी ठीक करनी चाहिए। उन्होंने तो बोल दिया कि एमएसएमई में आप 45 डेज में पेमेंट करो, पर पार्टियां जब चेक दे रिटर्न होते हैं, जो चेक रिटर्न होते हैं उनका रिजल्ट ही नहीं आता 5-5 साल तक। तो कानून प्रक्रिया को भी सरलीकरण करना चाहिए, उसमें एक टाइम लिमिट करना चाहिए कि भाई आज कोई भी जो केस है 138 हो, चाहे कोई भी केस हो, सिविल केस हो, उसकी एक टाइम सीमा बांधनी चाहिए कि इतने में एक केस को सेटल हो जाना चाहिए। जिसको इतना विलंब हो रहा है, केसेस सोल्व ही नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट खाली एमएसएमई बनाने से कुछ नहीं होगा ना। जब वो लोग पीडीसी चेक दे देते, वो चेक रिटर्न हो जाते हैं टाइम पे भुगतान करने के। और हमें इनकम टैक्स में भी मिडिल क्लास पे थोड़ा ध्यान देवे। हम लोग जो मैं सेविंग अभी खत्म कर दी, सेविंग पे या किसी पे कोई रिबेट नहीं है नई रिजीम में, तो उसके अंदर मिडिल क्लास को भी बहुत सहयोग करे और मैक्सिमम टैक्स लिमिट 25% पे ला दे, नहीं तो बहुत हेवी पड़ रही है और मिडिल क्लास तो बहुत कमजोर हो रहा है। तो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, अमीर है वो बहुत अमीर होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कई सारी समस्याएं थी, कल जब बजट पेश होगा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी काफी उम्मीदें हैं। खासतौर पर इनका ये कहना है कि एमएसएमई हो, चाहे एक्सपोर्ट पर मामले चीजें हो, इन सब पर कहीं ना कहीं सरकार अगर ध्यान देगी तो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। मुंबई से राहुल शुक्ला, इन24।